मेरे अगेंस्ट एक न्यूज़ चल रही है, मेरे पास तो अभी आई है, 2-3 नोन है उन्होंने भेजी है मुझे। तो ये जो तिहाड़ जेल का जो जेलर है, इसने पहले भी मुझे धमकियां दी है काफ़ी। तो यही वायरल कर रहा है मेरे नाम से कि 51 लाख रुपए मुझसे ठग लिए, मुझसे मिली है ये। और मेरे से मिलने आई थी अपने हस्बैंड के साथ में यमुना विहार, 2 तारीख का इनाम ले रहा है, जिस तारीख को मैं यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं थी, मैं आउट ऑफ इंडिया थी। और झूठ झूठ पता नहीं क्या क्या, मतलब बिना कोई प्रूफ के मतलब इल्ज़ाम लगा रहा है कि कंपनी के नाम से, जिस कंपनी को बंद हुए साल भर से ऊपर हो लिया, उस कंपनी के नाम पे बोल रहे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांग रही थी। और बोल रहे फरार है, फरार मैं आप लोगों के सामने ही हूँ जो हूँ, कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं ट्रायल्स दे रही हूँ, फरार मैं कहाँ हो गई? मैं कोई अपराधी थोड़ी ना हूँ जो मैं फरार होऊंगी, या मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो मैं फरार होऊंगी। और रही बात अंकित की, तो उसके साथ इसका 2 नंबर का अपना लेन देन है, कुछ सट्टे वट्टे का, कुछ दारू का, गाड़ियों का, ये काम करते थे दोनों साथ में, और आपस में इनका पैसों का लेन देन था। मेरी जानकारी में भी नहीं था, मेरी जानकारी में तो तब आया जब इनका आपस में इनकी बिगड़ गई दोनों की, और इसका मेरे पास फोन आया है, इसने बोला है कहाँ पे है वो खुद 2-3 महीने से बाहर है, ठीक है। और ये मेरा झूठी FIR मेरे नाम करवा के, मेरे जो मैंने नाम इतने दिन में कमाया है, जो मैंने अपनी मेहनत से मतलब यहाँ पे पहुंची हूँ, उसको खराब कर रहा है, ठीक है। काफी दिन से मैं परेशान हूँ, इसने पहले भी मेरे को फोन किया, बट मैं बोल रही कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, बट अब बस बर्दाश्त से बाहर है मेरी। कहाँ फरार हूँ मैं, आप लोगों के सामने हूँ, FIR कराइए, ले जाओ मुझे, अगर मेरे खिलाफ कोई भी प्रूफ हो तो, कोई मेरे अकाउंट में पैसा आया हो, या मैं इससे कभी भी मिली हूँ, मैं इसको शो से जानती हूँ, उसके बाद इसकी खुद इसका इंटरेस्ट था अंकित के साथ बात करने में, वो 2 नंबर का काम करता है, मेरे को पता भी नहीं था। काफी दिन से मेरी उससे भी इस बात के ऊपर झगड़े चल रहे हैं, उसके साथ भी इसने वो किया है कि खुद उसके साथ मिला था पैसे देके 2 नंबर के काम में। मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसने जो भी मैंने आज तक जितना जो कमाया, मेरा सारा नाम सब इस आदमी ने मेरा खराब कर दिया है, क्योंकि ये कुछ पद पे है तो इसकी सब सुनी जाएगी। जिसके साथ इसका मैटर, उसका तो इसने कहीं नाम ही लिया, मैं इसको जानती नहीं, कुछ नहीं, इतना इसके साथ कोई इतनी मेरी बातचीत नहीं, पहले भी इसने मुझे धमकियों के फोन करवाए। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, मेरी बर्दाश्त से बाहर है मैं। अरे कोई तो प्रूफ हो, बंदा मतलब बोलने से पहले ये तो देखे कि हाँ भाई इसने मुझे सच्चाई, इसको खुद को पता है जानबूझ के, इसने मुझे पहले भी धमकी दी है, 2 महीने पुरानी बात है कि तेरे को फंसा दूंगा मैं। सारे कई न्यूज पे, हर जगह दीपक शर्मा को ठग, अरे ठग कहाँ से, मैं ठगू? ठग होती तो मैं पहलवानी करती क्या, अपनी दही तुड़ाती क्या, इतनी मैं मेहनत करती क्या, ठगा पढ़ाई कर लेती मैं, यहाँ पे होती क्या? मेरा एड्रेस है, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मैं कहाँ फरार हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, सब कहीं घूम रही हूँ। ऐसे किसी पे कुछ भी एलिगेशन लगा दोगे आप, मतलब आप मतलब तिहाड़ जेल के जेलर हो तो आप कुछ भी बोल दोगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, CBI जांच करा लो, कुछ करा लो, मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, मैंने कोई पैसा इससे लिया हो, मुझे झूठा फंसा रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल टूट चुकी, मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है बिल्कुल, बस अब बर्दाश्त से बाहर है मेरे, अब आप लोग ही देख लेना बाद में क्या करना है।